आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूं त्रिशला यादव, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। उत्तर प्रदेश में 2022 विधानसभा चुनाव के नतीजे आ चुके हैं। वहीं अगर बात करें इम्तिहान की, तो सभी की यह कड़ी इम्तिहान रही है। बीजेपी अव्वल नंबर में इस इम्तिहान में पास हो चुकी है। सभी नतीजे आ चुके हैं और अकेले बीजेपी ने 403 विधानसभा सीटों में 225 पर जीत हासिल कर बहुमत का आंकड़ा आसानी से हासिल कर लिया है, जबकि इसके सहयोगी को अपना दल और निषाद पार्टी ने भी अच्छा प्रदर्शन किया है। लगातार जिस तरह ये पार्टियां इस बात के दावे भी कर रही थी कि वो अच्छा प्रदर्शन करेंगी, वो अपने वादे और दावों पे खरी उतरी और बेहतर प्रदर्शन इनकी जो सहयोगी पार्टियां हैं उन्होंने भी किया और 12 और 6 सीटों पर जीत हासिल की। इस तरह कुल मिलाकर बीजेपी गठबंधन ने यूपी में 273 सीटों पर कब्जा कर लिया है और इतिहास दर्ज किया है। अगर बात किया जाए तो एक अहम जो लड़ाई थी 2022 विधानसभा की, वो पार हो चुकी है। उत्तर प्रदेश में सरकार बन चुका है और 3 दशकों के बाद ये पहली बार हुआ है जब किसी सरकार ने दोहराया है। तुरंत तुरंत सरकार दोहराई गई है, मुख्यमंत्री भी दोहराए गए हैं, तो ये बहुत बड़ी जीत और ऐतिहासिक जीत भारतीय जनता पार्टी की मानी जा रही थी, जहां लगातार विपक्ष हमलावर रहा है। कई मुद्दे भी उठाए गए, अलग अलग तरह के सवालिया निशान भी सत्ताधारी पार्टी पर खड़े किए गए। इन सब के बीच भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत चुका है। उत्तर प्रदेश की जनता ने बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दिया है, मैंडेट दिया है। और वही अगर बात करें तो जो 5 राज्यों में चुनाव था, उन 5 राज्यों में से 4 राज्यों की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को मैंडेट दिया है। तो इस तरह से यूपी में भी एक प्रचंड जीत भारतीय जनता पार्टी को मिली है। लगातार जिस तरह के सवाल उठ रहे थे, सवालों के घेरे में भारतीय जनता पार्टी था। किसान के मुद्दे एक अहम मुद्दे बने हुए थे, बेरोजगारी अहम मुद्दा बना हुआ था। और इन सबके बाद सबसे बड़ा अहम सवाल यह उठता है कि अब भारतीय जनता पार्टी किस तरह से उत्तर प्रदेश का विकास करेगी। इन सबके बीच हो अगर बात किया जाए तो सरकार बन चुकी है, अब शपथ ग्रहण समारोह बाकी है। जीतने के बाद जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी कार्यालय के बाहर स्टेज पर एक साथ मंत्री और मुख्यमंत्री साथ दिखे, उन्होंने होली खेली, ये बेहद ही खुशी का माहौल और एक बेहद ही एक अचीवमेंट भरा दिन था भारतीय जनता पार्टी के लिए। भारतीय जनता पार्टी ने इतिहास रचा है 3 दशकों के बाद दोबारा सरकार में आकर। ऐसे में अब देखना यह होगा कि जो 5 साल का इनका कार्यकाल है वो कैसा होगा। साथ ही साथ कई लोगों ने ये तक कहा कि ये हमारी 24 की तैयारी है, 24 की तैयारी यानी कि लोकसभा की तैयारी। देखना यह होगा कि भारतीय जनता पार्टी विधानसभा तो जीत चुकी है, लोकसभा में कितना कुछ दम दिखा पाएगी। हालांकि उसके लिए अभी बहुत वक्त बाकी है, बहुत समय बाकी है। ऐसे में अब लगातार नेताओं का लखनऊ और दिल्ली पहुंचना शुरू हो गया है शपथ ग्रहण समारोह का। कुछ ही दिनों में या फिर कह लें कि कुछ ही वक्त बाद एक समारोह होगा जिसमें शपथ ग्रहण लिया जाएगा और मुख्यमंत्री के शपथ का सबको इंतजार है। और उससे बड़ी जो सबसे ज्यादा निगाहें जिस चीज पर टिकी हुई है वो ये है कि डिप्टी सीएम की कुर्सी किसे मिलेगी। उत्तर प्रदेश की राजनीति में जगह बनाना जितना ही आसान है उतना ही मुश्किल है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की राजनीति दिल्ली की कुर्सी को तय करती है। ऐसे में अब देखना यह होगा कि किसको कौन सा मंत्रालय मिलता है, किसको कौन डिप्टी सीएम बनता है। जो बागी होकर के आए हैं, जिसमें सबसे बड़ा नाम मेन विपक्षी पार्टी के घर की बहू अपर्णा यादव का था, अब देखना होगा कि अपर्णा यादव को क्या कुछ जगह मिलती है। सबकी नजरें इसी पर है कि अपर्णा यादव को क्या कुछ भारतीय जनता पार्टी में जगह मिलती है। हालांकि जीत के बाद, रिजल्ट अनाउंस होने के बाद अपर्णा यादव मुख्यमंत्री के यहाँ पहुंची और उन्हें विजय तिलक भी लगाया अपनी छोटी बेटी के साथ, और ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। और उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की जीत हो चुकी है। खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता विभांशु हमारे साथ जुड़ेंगे। विभांशु, भारतीय जनता पार्टी बहुमत के साथ अपना जीत दर्ज कर चुकी है, ऐसे में क्या कुछ अपडेट है, शपथ ग्रहण समारोह कब होना है, जो जीते हुए विधायक है उनका क्या लखनऊ दिल्ली पहुंचना शुरू हो गया है।
जी त्रिशला, अगर बात करें तो सभा का सेमीफाइनल कहे जाने वाले उत्तर प्रदेश विधानसभा का पूर्ण रूप से संपन्न हो चुका है। वहीं कल योगी आदित्यनाथ जो सूबे के मुख्यमंत्री हुए थे, वो उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को अपना इस्तीफा दे चुके हैं, और इस्तीफा देने के ही साथ इस्तीफा को स्वीकार कर लिया गया है। और कैबिनेट बैठक के बाद, आखिरी कैबिनेट की बैठक के बाद, योगी आदित्यनाथ आनंदीबेन पटेल जिसके बाद वो अपनी वहां बहुमत साबित करेंगे। बहुमत तो है, लेकिन एक विधायकों के हामी होती है, वो एक संवैधानिक प्रक्रिया है। उस प्रक्रिया के बाद योगी आदित्यनाथ जल्द ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पे शपथ ले सकते हैं, और साथ ही साथ उनके कल के कैबिनेट आखिरी कैबिनेट बैठक में वो तमाम बड़े चेहरे नजर आए। साथ ही साथ दोनों डिप्टी मिनिस्टर साथ में आए, चाहे बात की जाए मंत्री गोपाल नंद नंदी की, चाहे बात की जाए कानून मंत्री बृजेश पाठक की, तो तमाम सभी मंत्री मौजूद रहे और सभी ने योगी आदित्यनाथ को वहां पे भी एक बधाई संदेश जाहिर करते हुए और कैबिनेट की बैठक को जो आखिरी 2017 से 22 की आखिरी सत्र की बैठक थी उसको खत्म करके सरकार बनाने जा रही है। और सूत्रों के मुताबिक पता चल रहा है कि होली से ठीक पहले जो उत्तर प्रदेश की महामहिम राज्यपाल हैं वो जल्द ही सरकार बनाने का प्रस्ताव बीजेपी के कार्यालय के जो प्रदेश अध्यक्ष है और साथ ही साथ सूबे के मुख्यमंत्री है उनको मिलेगा। जी सलाम जी विभांशु, 3 दशकों के बाद ये बहुत बड़ी ऐतिहासिक जीत भारतीय जनता पार्टी की मानी जा रही है। ऐसे में अब सबकी निगाहें वो कुर्सियों पर टिकी हुई है। जीत तो हो गई, अब सबकी निगाहें कुर्सियों पर टिकी है। सबसे बड़ी जो एक कुर्सी है मुख्यमंत्री के बाद, वो डिप्टी सीएम की, डिप्टी मुख्यमंत्री की कुर्सी है। उसके बाद एक जो मेन विपक्षी घराने की जो बहू है अपर्णा यादव, वो भी बागी होकर के आई थी। उनके तमाम बयानबाजी सामने आए थे। उनके लिए सूत्रों के हवाले से क्या कोई खबर आ रही है कि वो मंत्रिमंडल जा सकती है या कहाँ जा सकती है? क्योंकि जीतने के बाद उन्होंने जिस तरह से एक तंज कसा कि अपने हार पर खुद मंथन करें अखिलेश यादव, तो एक बड़ा स्टेटमेंट था। ऐसे में किस तरह से आप इसको देखते हैं और क्या कुछ खबर कुर्सी को लेकर, किसी पद को लेकर के अब सामने आना शुरू हो गई है? बात करें तो लगभग 3 चरण के टिकटों का बंटवारा हो चुका था, तब अपर्णा यादव भाजपा का दामन थामती है, और साथ ही साथ अटकले लगाए जा रहे थे कि वो विधानसभा की प्रत्याशी के तौर पे हो सकती है। हो सकता है कि 2017 में जैसे वो समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ी थी, हो सकता है इस बार भाजपा भी उन्हीं उसी सीट से उन्हें उतारे, मगर ऐसा नहीं हुआ। और अगर सूत्रों की बात करें और राजनीतिक विश्लेषक जो राजनीतिक गुरु हैं उनकी बात करें, जो तमाम प्लेटफॉर्म जो सोशल मीडिया के हैं या ऐसे जगह है, वहां साफ तौर पर ट्रेंड कर रहा है कि अपर्णा यादव आने वाले लोकसभा चुनाव में भाजपा की टिकट पे लोकसभा लड़ सकती है। और साथ ही साथ आपको बता दें कि 37 साल के जो आप 3 दशक की बात कर रही थी, तो वो 37 साल पहले कोई सरकार फिर से पूर्व बहुमत के साथ रिपीट की है, वही 71 साल बाद ऐसा हुआ है, और 35 साल बाद कोई सरकार रिपीट की, और 71 साल बाद कोई मुख्यमंत्री अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा कर और फिर से सरकार बनाने जा रहा है। साथ ही साथ आपको बता दें कि वही सूत्रों के मुताबिक ये भी चल रहा है कि बृजेश पाठक उत्तर प्रदेश के नए डिप्टी मुख्यमंत्री हो सकते हैं, और देखना ये होगा कि अब उत्तर प्रदेश के अंदर में डिप्टी सीएम बनाए जाते हैं, बनाए जाते हैं तो कौन बनाए जाते हैं। और मंत्रिमंडल की बात करें तो मंत्रिमंडल पे कई नए बड़े चेहरे को देखने को मिल सकता है। जैसे उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में सबसे ज्यादा वोटों से जीत कर आने वाले पंकज सिंह, जो कि नोएडा से विधायक चुनकर आए हैं, उनको भी मंत्रिमंडल में लिया जा सकता है। पंकज सिंह पे दाव खेल सकती है बीजेपी, उन्हें एक अहम मंत्रालय दिया जा सकता है। जी जी विभांशु, बिल्कुल आपने सही बात करी। और आपने बात करी कि डिप्टी सीएम की कुर्सी, तो इसमें अगर केशव प्रसाद मौर्य की बात करें तो जो केशव प्रसाद मौर्य वो सिराथू अपनी सीट से पल्लवी पटेल से चुनाव हार चुके हैं, और एक बहुत बड़ी बात है ये, डिप्टी सीएम का सीट हारी है भारतीय जनता पार्टी। तो ऐसे में उनको लेकर क्या कुछ अटकलें लगाई जा रही है, क्योंकि आज दिल्ली में बैठक भी है, तो बैठक में क्या कुछ ऐसे भी फैसलों पर बात होने की खबर सूत्रों के हवाले से सामने आ रही है या फिर अभी कोई खबर सामने नहीं आ रही है?
जी, अगर हम बात करें तो 2017 के चुनाव में केशव प्रसाद मौर्य की अगुवाई में विधानसभा चुनाव लड़ा गया था, जिसमें 312 से लगभग 312 करीब सीट आई थी भाजपा की। तो कहीं ना कहीं पूरे भारतीय जनता पार्टी के केंद्र या राज्य बात करें तो केशव प्रसाद मौर्य की बहुत वाहवाही हुई थी। और खासतौर पर अगर हम बात करें तो केशव प्रसाद मौर्य विधानसभा चुनाव लड़ने से पहले फूलपुर से सांसद थे, तो हो सकता है कि फिर से उन्हें केंद्र की राजनीति में लिया जाए, या ऐसा भी हो सकता है कि उन्हें विधान परिषद के दरवाजे से फिर से कैबिनेट में जगह मिले। मगर अगर बात करें तो केशव प्रसाद मौर्य संगठन के पुराने आदमी है और केंद्रीय जो बीजेपी है उनके द्वारा ये तय होगा कि केशव प्रसाद मौर्य की क्या जिम्मेदारी होगी और आने वाले जो लोकसभा चुनाव में है उन पे दाव खेला जा सकता है या उन्हें राज्य में ही रखा जाएगा। जी, लेकिन विभांशु, जिस तरह से लगातार एक प्रचंड जीत भारतीय जनता पार्टी की हुई है, भारतीय जनता पार्टी ने इतिहास दोहराया। लगातार अटकलें लगाई जा रही थी कि मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा। कई सूत्रों के हवाले से ये भी बातें सामने आई थी कि शायद मुख्यमंत्री का चेहरा योगी आदित्यनाथ ना हो, लेकिन इस प्रचंड जीत के बाद जिस तरह से इस बार योगी आदित्यनाथ ने एक अहम रोल निभाया है भारतीय जनता पार्टी की जीत में, ऐसे में और क्या कुछ नए चेहरे सामने उठ करके आएंगे? जो बागी विधायक है, जो समाजवादी छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी में आए, या फिर जो अन्य छोड़ के आए, उनके क्या रोल होंगे? और इनके जो छोटे दल थे, जो छोटे सहयोगी दल थे, निषाद पार्टी और अनुप्रिया पटेल का जो पार्टी है, उनके लिए सूत्रों के हवाले से क्या कुछ खबर आ रही है? और क्या जो अनुप्रिया पटेल का मंत्रिमंडल है वो वही रहेंगी या फिर उन्हें कुछ और बड़ी जिम्मेदारी देने की खबरें आ रही हैं अब, क्योंकि शपथ ग्रहण में अब कुछ ही दिन या फिर कह ले वक्त बाकी है, कभी भी इस चीज का अनाउंसमेंट हो सकता है मीटिंग के बाद कि शपथ ग्रहण समारोह कब होगा। तो ऐसे में सहयोगी दलों के लिए क्या कुछ खबर आ रही है, क्योंकि सहयोगी दलों ने बढ़ चढ़ कर जीत दिलाने में अपनी पूरी कोशिश करी है, अपनी पूरी भागीदारी निभाई है विभांशु। जी, अगर बात करें तो निषाद पार्टी के अध्यक्ष को हो सकता है कि उन्हें कैबिनेट में जगह मिले, और साथ ही साथ अगर बात करें अनुप्रिया पटेल की अध्यक्षता में चलने वाली पार्टी अपना दल एस में, तो अपना दल एस को पिछली सरकार में 2 मंत्रालय मिले थे, तो इस बार उनके विधायकों की जो संख्या है उसमें बढ़ोतरी हुई है और 12 सीटों पे उन्होंने जीत हासिल की है। तो हो सकता है कि कुछ राज्य मंत्री और कुछ मंत्री फिर से बनाए जाए, और साथ ही साथ अभी अनुप्रिया पटेल केंद्रीय मंत्री है, और आपको बता दें कि इस बार के मंत्रिमंडल में युवा चेहरे को देखने को मिल सकता है कि खासकर युवा चेहरे जो जीत के आए हैं उन्हें जगह मिले, और साथ ही साथ पंकज सिंह को एक अहम जिम्मेदारी मिल सकती है। अगर बात करें देवरिया की सीट से तो सलब मणि त्रिपाठी, जो कि 2017 से 2022 के टर्म तक मुख्यमंत्री के सूचना सलाहकार रहे, उन पे भी भाजपा एक अहम मंत्रालय दे सकती है सूचना से रिलेटेड। और वहीं अगर बात करें निषाद पार्टी में, तो निषाद पार्टी के जो बस्ती के माफ करिएगा खलीलाबाद के जो विधायक है प्रवीण निषाद, जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के बेटे हैं, उनको भी हो सकता है कि उन केंद्रीय राजनीति में उनको केंद्रीय मंत्रिमंडल में लिया जा सके, क्योंकि जो जिन सीटों पर निषाद पार्टी लड़ी है वहां अच्छा प्रदर्शन की है। वही योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में हम कह सकते हैं इस बार का चुनाव लड़ेगा, जिसमें साफ तौर पे भाजपा को 100 से ज्यादा सीटें मिली। जो एग्जिट पोल थे, जो प्रिंट के, वो कहीं ना कहीं फेल साबित हुए इलेक्ट्रॉनिक की बात की जाए तो जिसमें 23 लगभग जनपदों में भाजपा ने क्लीन, समाजवादी पार्टी ने 5 जनपदों में क्लीन स्वीप किया, उसमें आजमगढ़ सम्मिलित है। तो ये जो 23 जिले हैं ये खासकर पूर्वांचल से हैं, तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि योगी आदित्यनाथ का बीजेपी के अंदर में कद बड़ा है, और उनके ही वो ही एक बार फिर मुख्यमंत्री बनाए जाएंगे। और साथ ही साथ अगर देखें तो पूर्वांचल से कई बड़े चेहरे को भी कैबिनेट में जगह मिल सकती है। वहीं अगर बात करें तो लखीमपुर की तिकुनिया हिंसा के बावजूद भी लखीमपुर की सारी सीटों पर बीजेपी ने जीत हासिल की, तो हो सकता है कि वहां से लखीमपुर के सदर जो है वहां से योगेश्वर राज्य मंत्री बनाया जा सके। और ऐसे तमाम माध्यमों पे बातें भी चल रही हैं कि किसको मंत्रिमंडल में लाया जा सकता है। वहीं अगर अदिति सिंह, जो कि रायबरेली से चुनकर कांग्रेस से बागी होकर भाजपा के चुनाव लड़ी थी, उन्हें भी एक अहम मंत्रालय मिलने की आशंका लगाई जा रही है, और अदिति सिंह वहां से विधायक
साथ उनके पिता कांग्रेस के कद्दावर नेता रहे हैं, तो हो सकता है कि उन्हें महिला एवं बाल विकास मंत्रालय अदिति सिंह के पक्ष में जाता हुआ दिख रहा है। अब शपथ के बाद ही मंत्रिमंडल के पे उठ सकेगा पर्दा कि आखिर किसको कौन सा पद मिला है। मगर अगर बात करें तो ये चर्चित चेहरे और युवा चेहरों पे भाजपा भरोसा जताते हुए दिख रही है। जी बिल्कुल विभांशु, आज की जो भी मीटिंग्स हैं आप उनके उनपे नजर रखिए। आज कई मीटिंग्स भी होनी है भारतीय जनता पार्टी की, शपथ ग्रहण समारोह और तमाम चीजों को लेकर जिस तरह से एक प्रचंड जीत भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में दोहराया है, एक किसी ये विक्ट्री से कम नहीं है भारतीय जनता पार्टी के लिए। और जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, मंत्री हैं, सब में खुशी की लहर है। दोबारा से सत्ता पर काबिज हुई है भारतीय जनता पार्टी, एक बड़ी जीत हुई है। वही अगर बात दयाशंकर सिंह की करें तो दयाशंकर सिंह को काफी अटकलों के बाद टिकट मिला था। उनकी धर्मपत्नी स्वाति सिंह जो यहाँ से विधायक थी, मंत्रिमंडल में थी, लगातार उनके उन दोनों के बीच में विवाद होने के बावजूद भी जिस तरह से अब दयाशंकर सिंह ने भी जीत हासिल कर ली है, तो ऐसे में अब सबकी नजर, जनता की नजर शपथ ग्रहण और अगर बात की जाए मंत्रिमंडल की तो मंत्रिमंडल पर। वही कानून मंत्री बृजेश पाठक ने भी अपनी जीत दर्ज की है, आशुतोष टंडन ने भी अपनी जीत दर्ज हासिल की है अनुराग भदौरिया को हराकर। हालांकि 2017 में भी उन्होंने अनुराग भदौरिया को हराया था और अनुराग भदौरिया हमेशा से मुखर होकर विपक्षी पार्टी समाजवादी पार्टी के लिए बोलते रहे हैं। हालांकि सबका यही कहना है कि जिस तरह से विपक्षी पार्टी ने टक्कर दिया वो भी काबिले तारीफ था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से सत्ता पर काबिज होने में कामयाब हुई है। भारतीय जनता पार्टी की एक बहुत बड़ी और ऐतिहासिक जीत है। वही गोरखपुर से चुनाव लड़ने योगी आदित्यनाथ चुनाव लड़े थे, वो जीत चुके हैं, वो सांसद रह चुके हैं गोरखपुर से, लेकिन पहली बार विधायकी विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चुनाव में थे, चुनावी मैदान में थे और उन्होंने जीत दर्ज किया है। वही मंत्री सतीश महाना, औद्योगिक विकास मंत्री सतीश महाना ने भी जीत दर्ज किया है। कई बड़े चेहरे हैं जिन्हें हार का भी सामना करना पड़ा है, लेकिन राजनीति में हार और जीत तो लगा रहता है। इन सब के बीच सबसे अहम मुद्दा यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की है। हालांकि अगर बात उत्तराखंड की करें तो उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी के जो CM थे पुष्कर सिंह धामी, वो भी अपनी सीट से हार गए हैं, लेकिन इन सब के बावजूद भी चार राज्यों में भारतीय जनता पार्टी अपना पैठ बनाने में कामयाब रही। चार राज्य भारतीय जनता पार्टी जीत चुकी है, चार राज्यों की जनता का मैंडेट भारतीय जनता पार्टी के साथ आया है। भारतीय जनता पार्टी के मुद्दे कहा जाए कि जो लगातार योगी आदित्यनाथ के लिए चर्चाएं थी बुलडोजर बाबा, तो एक तरह से कहा जाए कि सारी रणनीति काम आई है और भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में जीत दर्ज की है। वहीं अगर बात किया जाए मेन विपक्षी पार्टी की तो लगातार सभी भी सवालिया निशान लगाए जा रहे हैं, लेकिन सवालों और जवाबों का वक्त अब खत्म हो चुका है। अब शपथ ग्रहण की बारी है, अब मंत्रिमंडल विस्तार की बारी है। सबकी नजरें अब इस पे हैं कि किसके हाथ में कौन सा मंत्रिमंडल जाता है, किसको किस काबिल समझा जाता है। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर भी ये चुनाव लड़ा गया था उत्तर प्रदेश का, हमेशा से योगी और योगी भी इस कई मुद्दों पर सामने आते रहे हैं। ऐसे में सबकी नजर सिर्फ और सिर्फ शपथ ग्रहण समारोह पर। हमारे संवाददाता हिमांशु हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हिमांशु, एक बड़ी जीत भारतीय जनता पार्टी ने हासिल की है, इतिहास दोहराया है भारतीय जनता पार्टी में। ऐसे में हमेशा से सांसदी के लिए मैदान में उतरे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विधायकी के चुनाव के लिए मैदान में थे और उन्होंने जीत दर्ज की है। जो गोरखपुर की जनता है अब वो क्या अटकले लगा रही है, क्या कुछ उम्मीदें रखती है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से? देखिए, गोरखपुर में सबसे बड़ी समस्या जाम की है और बाढ़ की है। ऐसे में यहाँ की जनता बाढ़ और जाम से निजात चाहती है और इसके लिए अटकलें लगाई जा रही हैं। हालांकि इसमें यहाँ पे हम बता दें कि काफी कार्य किया गया है, सड़कों का चौड़ीकरण किया गया है, लेकिन फिर भी कयास ये लगाया जा रहा है कि जाम से जल्द निजात मिल जाए। और आपको बता दें कि CM योगी आदित्यनाथ जो है इस विधानसभा 2022 के चुनाव में उनकी पूरी तरह से प्रतिष्ठा और साख दांव पे थी, क्योंकि उनके ऊपर ही सारा जिम्मेदारी था चुनाव का, उन्हीं का फेस था CM पद के लिए। जी हिमांशु, जिस तरह से और विपक्षी पार्टियां जो हैं, कई विधायकों की हार और जीत हुई है, हालांकि चुनावों में हार और जीत तो लगी रहती है, ऐसे में
जीत चुके हैं, क्या कुछ खबर सामने मंदिर से आ रही है कि कब मुख्यमंत्री कब वहां पहुंचेंगे और वहां पर क्या कुछ कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, ऐसी कोई खबर सामने आ रही है? या फिर गोरखपुर से किसको मंत्रिमंडल में जाने का, या फिर बड़ी जिम्मेदारी के सूत्रों के हवाले से कोई खबर आ रही है? देखिए हम बता दें कि गोरखपुर, हम खड़े हैं गोरखपुर के क्षेत्रीय कार्यालय पे भारतीय जनता पार्टी के, जहाँ पे रोज ही कल से, जब से ये विजय का रथ यात्रा निकली है, लोग गोरखनाथ दर्शन करने जा रहे हैं, इसके बाद आकर के यहाँ पे बैठ रहे हैं और ऐसे में कयास लगा रहे हैं कि किसी ना किसी तरीके से उनको कैबिनेट में कोई पद मिल जाए। और इसी के साथ आपको बता दें कि कल चूंकि सीएम योगी आदित्यनाथ ने कैबिनेट को भंग करने का प्रस्ताव पारित किया है और अपना त्यागपत्र भी दिया है जो राज्यपाल को दे दिया गया है, ऐसे में इस समय सीएम योगी आदित्यनाथ कार्यवाहक मुख्यमंत्री के रूप में कार्य करेंगे जब तक नई कैबिनेट का गठन ना हो जाए। और आपको बता दें कि यहां से सातवीं बार विधायक कैंपियरगंज से फतेह बहादुर सिंह, उनको भी उम्मीदें हैं, अटकलें लगाई जा रही हैं कि उनको भी कहीं ना कहीं कैबिनेट में हिस्सा मिलेगा। जी, एक बड़े कद्दावर नेता है फतेह बहादुर सिंह, 6 बार जीत हासिल कर चुके हैं। वही अगर बात की जाए उनके घर में, उनके धर्मपत्नी की, साधना सिंह की, तो साधना सिंह भी वहां से ब्लॉक प्रमुख है। ऐसे में अब क्या कुछ वहां की जनता को उम्मीदें हैं कि सातवीं बार विधायक चुन के दिया है, तो क्या कुछ उम्मीदें की जाएगी जो वहां की जनता है? देखिए अगर बात करें तो कैंपियरगंज विधानसभा में पूरी तरह से सभी पार्टियों ने जातिगत कार्ड खेला था, जिसमें आपको बता दें कि सपा ने काजल निषाद को, अन्य ने भी, सभी पार्टियों ने निषाद, चूंकि निषाद बहुल क्षेत्र ही है, आप कांग्रेस की बात करें, आप किसी की बात करें, बसपा की बात करें, उन्होंने भी निषाद पार्टी उम्मीदवार को ही उतारा था ताकि जातिगत समीकरण को साधा जाए। इसके बावजूद सातवीं बार चुन करके आए हैं फतेह बहादुर और ये बहुत बड़ी अपना कद बढ़ा लिया है इन्होंने भाजपा में। जी, अगर बात संजय निषाद की जाए तो संजय निषाद कैंपियरगंज के क्षेत्रों में ज्यादा एक्टिव रहे हैं हिमांशु, तो ऐसे में संजय निषाद ने भी एक अच्छा प्रदर्शन दिया, अच्छा साथ निभाया भारतीय जनता पार्टी का, क्या कुछ अटकले और क्या कुछ उम्मीदें गोरखपुर की जनता को संजय निषाद से है अब, और भारतीय जनता पार्टी क्या कुछ ओहदा दे सकती है उनको? देखिए संजय निषाद को भी उम्मीद लगाई जा रही है कहीं ना कहीं कैबिनेट में हिस्सा जरूर मिलेगा उनके बेटे श्रवण कुमार को, क्योंकि श्रवण कुमार निषाद जो हैं वो पहली बार ऐसे, चूंकि उत्तर प्रदेश में बता दें 22 नए चेहरे हैं जो कि आएंगे, जैसे देवरिया से सलभ मणि हो गए, यहाँ से श्रवण निषाद हो गए, ऐसे 22 चेहरे हैं जो नए चेहरे हैं जो कि भाजपा में पहली बार चुन के विधानमंडल में जाएंगे और चुन भी लिए गए हैं। तो ऐसे में उम्मीद ये लगाई जा रही है कि निषाद पार्टी की तरफ से, चूंकि संजय निषाद के पुत्र हैं और कल ही वो दर्शन करने गए थे, योगी आदित्यनाथ चूंकि यहाँ नहीं है, और कयास ये लगाया जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ जल्द ही गोरखपुर आएंगे और इसी के साथ संघ प्रमुख मोहन भागवत भी गोरखपुर में आएंगे और उसके बाद ही कैबिनेट का कुछ हिस्सा तय होगा। जी, रवि किशन के क्या कुछ रुख है हिमांशु गोरखपुर से? वो सांसद हैं और प्रचार प्रसार के दौरान वो हमेशा से भारतीय जनता पार्टी के लिए कार्यरत रहे हैं, छोटी छोटी रैलियों में भी वो मौजूद रहे हैं, तो उनका क्या कुछ रुख है हिमांशु रवि किशन का? देखिए अब चूंकि रवि किशन यहाँ सांसद रहे हैं और गोरखपुर में काफी एक्टिव भी रहे हैं, जहाँ सिंघड़िया जहाँ वो रहते हैं वहाँ पानी जल जमाव की बहुत बड़ी समस्या थी, रोड पे हाईवे पे आ जाता था पानी, उससे उन्होंने निजात दिलाया है, चूंकि चौड़ीकरण हो रही है, ऊंचाई भी कर दिया है, लेकिन काफी हद तक ट्यूबवेल वगैरह लगवा करके उन्होंने इसकी निजात की कोशिश की है और इसमें वो कोशिश कर रहे हैं कि किसी न तरह से उनको भी जो केंद्रीय कैबिनेट है उसमें हिस्सा मिल जाए। जी, अगर बात जश्न की करें तो गोरखपुर की जनता को एक पहचान मिली है, गोरखपुर की जनता को जब से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने 2017 में, जब वो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे तो गोरखपुर को एक अलग पहचान मिली। हालांकि इस बात को कई बार मुख्यमंत्री ने भी फ्रंट फुट पे आकर के कहा है, अब दूसरी बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अगर कहा जाए तो शायद अभी तो कुछ ऐसे सूत्रों के वो शपथ लेंगे, तो ऐसे में कितनी बड़ी कामयाबी देखते हैं आप गोरखपुर शहर का, कितना बड़ा नाम देखते हैं हिमांशु एक कहीं ना कहीं? देखिए हिमांशु गोरखपुर की बात की जाए तो गोरखपुर हमेशा से पिछड़ा रहा है, हालांकि बात करें अगल बगल के कई जिलों के लिए, चूंकि यहीं पे मेडिकल कॉलेज था तो स्वास्थ्य सुविधा उनको यहीं उपलब्ध होती थी, यहां तक कि बिहार से यहां सबसे बड़ी समस्या रही है इंसेफ्लाइटिस की, जिसके लिए योगी आदित्यनाथ 5 बार सांसद होते हुए लड़ते रहे हैं और उस पर काफी हद तक सीएम होते हुए प्रभाव कार्रवाई की है और यहां पे एम्स भी दिया है। इसके साथ ही आपको बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ के सीएम बन जाने से गोरखपुर को नई पहचान मिली है, पूरे देश में उनके गोरखपुर की एक नई पहचान बनी है।
ऐसे में जनता का क्या कोई रुख है हिमांशु, क्योंकि जनता ने वोट दिया है, जनता ने चुना है, जनता ने एक बार फुल मैंडेट दिया है, जनता में क्या कुछ खुशी है और जनता की क्या कुछ उम्मीदें हैं, क्योंकि एक इमोशनल अटैचमेंट मंदिर के साथ है गोरखपुर की जनता का। देखिए गोरखपुर की जनता का अटैचमेंट हमेशा से मंदिर के साथ रहा है, और चूंकि सीएम योगी आदित्यनाथ जब सांसद थे तो हर छोटे बड़े किसी भी मामले में चले जाते थे, लोगों का हाल चाल लेते थे, सुख दुख के साथी रहे हैं, और गोरखपुर को उनको एक तरह से कह सकते हैं जमीनी नेता हैं, वो हर चीज को जानते थे, कब कहाँ किस तरह की समस्या का सामना करना पड़ा। ऐसे में जनता को बड़ी उम्मीदें हैं, क्योंकि इस बार ये विधायक हैं और विधायक बनने के साथ ही सीएम पद पे रहेंगे अगर, तो इसमें उनको उम्मीद है कि गोरखपुर के लिए कार्य कुछ ना कुछ ऐसा तोहफा मिलेगा। आपको बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ के गोरखपुर में बहुत ही अच्छी पकड़ है, और यहाँ की जनता काफी खुश है। इस बार की होली भी कह सकते हैं कि गुलाबीमय होने वाली है काफी हद तक जी, क्योंकि हिमांशु सांसद रह चुके हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, और जब वो सांसद थे तो एक जमीनी, अभी तो हालांकि उनको समय नहीं मिल पाता है, वो बहुत बड़ी जिम्मेदारी उनके हाथों में है, प्रदेश के जो है वो मुख्यमंत्री है, बड़ी जिम्मेदारी है, लेकिन जब वो सांसद रहे हैं तब से वो लोगों के घर घर जाते रहे हैं, लोगों की एक एक परेशानी से रूबरू होते रहे हैं, ऐसे में गोरखपुर की जनता के लिए एक बहुत बड़ा तोहफा है, एक बहुत बड़े विकास की ओर गोरखपुर की जनता बढ़ने वाली है, जिस तरह से कई प्रोजेक्ट भी अब गोरखपुर में पास हो चुके हैं, चौरीकरण भी हो रहा है, तो लगातार जो भी ऐसे खबर आते हैं और जो भी विकास कार्य होता है आप उन पर नजर बनाए रखिए, और हमारे जो भी दर्शक है उनके उनके तक पहुंचाते रहिए। आपको हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। संवाददाता हिमांशु हमारे साथ जुड़े थे, उन्होंने बताया कि गोरखपुर का क्या कुछ रुख है दोबारा अगर चुनी गई है भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि 1998 से लगातार सांसद रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, अब वो विधायक चुने गए हैं, ऐसे में एक बड़ी उम्मीद गोरखपुर की जनता की भी इनसे रखती है, गोरखपुर को एक अलग पहचान देने में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक अहम रोल, एक खासा रोल निभाया है, एक बड़ी पहचान गोरखपुर को मिली है मुख्यमंत्री की वजह से, ऐसे में अब सभी को शपथ ग्रहण समारोह का इंतजार है, मंत्रिमंडल का इंतजार है, एक बार जनता ने फिर से प्रचंड बहुमत दिया है भारतीय जनता पार्टी को, लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी भारतीय जनता पार्टी के को बहुमत मिलने के बाद वो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उन्होंने धन्यवाद दिया, साथ ही साथ उनके कई मंत्री भी मौजूद रहे, और ऐसे में लगातार मीटिंग्स चल रही हैं, अपना इस्तीफा राज्यपाल को मुख्यमंत्री सौंप चुके हैं, मंत्रिमंडल सरेंडर कर चुके हैं, ऐसे में जब तक नए मंत्रिमंडल का गठन नहीं होता और सीएम शपथ नहीं होता ऐसे में कार्यरत भी रहेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, लेकिन फिर भी उसके बावजूद सबकी नज़रें शपथ ग्रहण समारोह पर टिकी हुई हैं, होली भी आने वाला है, ऐसे में जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, जो सपोर्टर्स हैं, उनमें खुशी का लहर है। हमारे संवाददाता धीरज तिवारी लखीमपुर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। धीरज, लखीमपुर में बनवीरपुर तिकुनिया हत्याकांड के बाद से एक विरोध देखने को मिल रहा था भारतीय जनता पार्टी के लिए, और लगातार जो अजय मिश्र टेनी है उनके इस्तीफे की भी बात कही जा रही थी, इन सब के बावजूद भी लखीमपुर की जनता ने एक बड़ा भरोसा फिर से भारतीय जनता पार्टी पर दिखाया है, किस तरह से देखते हैं आप? देखिए बिल्कुल शिखा जी, बता दें लखीमपुर जो तिकुनिया कांड हुआ था उसको लेकर सारी विपक्ष की पार्टियां जो एक नेशनल इशू बनाकर चल रही थी, जब से चुनाव चुनाव की डेटें क्लियर हुई उसके बाद में, चाहे वो सपा हो या कांग्रेस हो या बसपा हो रही हो या अन्य पार्टियां रही हो, अन्य दल रहे हो, जहां एक छोटी से छोटे चुनाव प्रचार में जो लखीमपुर तिकुनिया कांड को लेकर बहुत बहुत बड़े बड़े भाषण दिए जाते थे कि किसानों को कुचला गया किस तरीके से, लेकिन अगर अगर हम लखीमपुर खीरी की जनता की बात करें तो लखीमपुर खीरी की जनता ने तिकुनिया कांड को बिल्कुल नकारते हुए लखीमपुर खीरी की 8 विधानसभाओं पर जो है भाजपा के 8 प्रत्याशियों को जीत हासिल कराई है, जो जिसे ये बिल्कुल पूरी तरीके से जाना जा सकता है कि लखीमपुर तिकुनिया कांड का जो आम जनता पर बिल्कुल असर नहीं पड़ा, लखीमपुर की जो जनता है उसने फिर से एक बार जो है भाजपा को फिर से 8 सीटें पर जीत दिलाई है, लखीमपुर की जो जनता है उसने फिर से एक बार भरोसा जताया है योगी आदित्यनाथ पर।
अगर बात की जाए अजय मिश्र टेनी की, तो उनको लेकर क्या कुछ अटकलें लगाई जा रही हैं? हालांकि उनके बेटे को अब आशीष मिश्र को अब जमानत भी दे दिया है उच्च न्यायालय ने, लेकिन ऐसे में क्या कुछ अटकलें लगाई जा रही है? क्या क्या वहां की जनता चाहती है कि जो गृह राज्य मंत्री है, गृह राज्य मंत्री एक बड़ा ओहदा है, क्या फिर से उन्हें केंद्र में लाने की कोई अटकलें हैं? गृह राज्य मंत्री को फिर से कोई बड़ी जिम्मेदारी देने की अटकलें हैं या फिर इसका असर देखने को मिलेगा? देखिए बिल्कुल बता दें, लखीमपुर खीरी की जनता की अगर बात करें तो चुनाव के बाद में जो आम लोगों में चर्चाएं बनी हुई हैं कि अजय केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी जो है उनका कद जो है बिल्कुल पूरी तरीके से बढ़ाया जाए, क्योंकि लखीमपुर की 8 विधानसभाओं पे जीत मिली है। अगर हम अन्य लोगों की बात करें तो जिस तरीके से सारी विपक्ष की पार्टियां बराबर उनके इस्तीफे की मांग भी करती रही, उसके बाद में जो चुनाव में जो उसका नतीजा बिल्कुल जीरो ही दिखा है, तो इस तरीके से जो आम जनता है वो अगर चर्चाओं की बात करें तो उन पर जो आम जनता चर्चा कर रही है तो बिल्कुल अजय मिश्र टेनी को जो है कद बढ़ाने की ही मांग कर रही है। जो चर्चाएं हो रही हैं, हम लोग गांवों में जा रहे हैं चुनाव के बाद में, जब से मतगणना हुई उसके बाद में लोगों से बात होती है, लोग अपनी बात रखते हैं, हम लोगों को बताते भी हैं कि किस तरीके से जो तिकुनिया कांड में फंसाए गए। अगर हम अजय मिश्र टेनी के बेटे की बात करें तो बिल्कुल पूरी तरीके उनकी जमानत हो चुकी है, उस समय अपने घर पर ही मौजूद होंगे और बाकी जो मामला है वो कोर्ट में चल रहा है। तो कहीं ना कहीं से जो आम जनता है उसने फिर से एक बार भाजपा पर भरोसा जताते हुए लखीमपुर की 8 सीटों पर जीत दिलाई है। तो अगर देखा जाए तो जो लखीमपुर की अन्य जिलों की हम बात करें तो चाहे वो लखीमपुर हो, चाहे वो पीलीभीत हो या हरदोई हो, जिस तरीके से भाजपा की एक जीत, एक आंधी चली हुई प्रचंड जीत मिली है यूपी में, तो कहीं ना कहीं जनता ने फिर से एक बार योगी आदित्यनाथ पर भरोसा जताते हुए जिस तरीके से जीत दिलाई है। जी बिल्कुल धीरज, इन सब तमाम जो मामले लखीमपुर खीरी से सामने आए, एक बड़ा हत्याकांड हुआ, कई विपक्षी नेता वहां पर पहुंचे, ऐसे में फिर से भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर से भरोसा दिखा दिया है। अजय मिश्र केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं, ऐसे में क्या उन्होंने जनता को कोई अभी तक धन्यवाद दिया? क्या वो जनता के बीच में पहुंचे, ऐसा क्या कुछ खबर सामने आई लोगों के बीच में, गया कोई धन्यवाद किया उन्होंने जनता का? देखिए बिल्कुल शिखा जी बता दें, लखीमपुर खीरी में मतगणना के बाद में अभी तक फिलहाल तो जनता के बीच में अजय मिश्र टेनी अभी तक नहीं पहुंचे हैं, लेकिन जो उनके गांव से चर्चाएं आ रही कि बिल्कुल पूरी तरीके से उन्होंने चुनाव में मेहनत भी की है, लोगों के गए भी हैं और उसके बाद में जो ये 8 सीटों पर जीत मिली है, तो कहीं ना कहीं अजय मिश्र टेनी की मेहनत भी रंग लाई है। वो बाकायदा चुनाव पूरी नजर बनाए हुए थे, बाकायदा लोगों से बात कर रहे थे, भारतीय जनता पार्टी के सपोर्ट में वोट के लिए भी बात कर रहे थे, लोगों से संपर्क में बराबर बने रहे हैं। तो जिस तरीके से जीत हासिल हुई है तो कहीं ना कहीं बिल्कुल उनका सहयोग रहा है। और फिलहाल अभी अगर हम बात करें कि चुनाव मतगणना होने के बाद में जो अभी तक फिलहाल तो कहीं नहीं दिखे हैं कि गांव में गए हों या किसी से मिले हों धन्यवाद, इस तरीके की अभी कोई सूचना नहीं मिल रही। जी बिल्कुल, हो सकता है कि शायद वो इसके समारोह के बाद आए। और आपकी जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद धीरज, आप बिल्कुल नजर बनाए रखिए, शपथ ग्रहण समारोह भी होने वाला है, ऐसे में लगातार सभी में जोश हर्षोल्लास है। तमाम मसलों के बाद, तमाम मुद्दों के बाद एक बार फिर से जनता ने भारतीय जनता पार्टी पर भरोसा दिखा दिया है। से में अब देखना यह होगा कि आगे जो विकास है उत्तर प्रदेश का, वो भारतीय जनता पार्टी के हाथों में है, किस तरह का विकास भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश का करेगी। और जो हमेशा से एक एजेंडा रहा है भारतीय जनता पार्टी का, माफियाओं से मुक्ति दिलाना, माफिया मुक्त उत्तर प्रदेश, तो इसमें अब किस तरह से आगे कार्यरत होती है भारतीय जनता पार्टी? हालांकि कई माफियाओं को घुटने टेकने पर मजबूर किए हैं भारतीय जनता पार्टी ने, इसी कड़ी में अब देखना है कि कितना कार्यरत भारतीय जनता पार्टी रहती है। माफिया मुक्त उत्तर प्रदेश का सपना हमारे प्रधानमंत्री का 2017 से ही था, उन्होंने इस पे बहुत सारा कार्य भी किया और एक बार फिर से मुख्यमंत्री को मौका मिला है बिल्कुल ही माफिया मुक्त उत्तर प्रदेश करा देने का। अब देखना ये होगा कि आगे का जो 5 सालों का कार्यकाल है उसमें भारतीय जनता पार्टी क्या कुछ विकास करती है, उत्तर प्रदेश की जनता के लिए क्या कुछ करती रहती है। पल पल की अपडेट शपथ ग्रहण समारोह से लेकर एक एक मीटिंग तक हम आप तक पहुंचाते रहेंगे, देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।